ये फाइनेंस बैंक के अंदर पुलिस पहुंची है, क्या मामला है आपको बताएंगे सर, क्या कुछ जानकारी मिली आप यहाँ पहुंचे हैं? के नाम भाई पवन जी सर, पवन महादेव कॉलोनी, पवन महादेव कॉलोनी कचल से है। इन्होंने 10-17 का लोन लिया था जी, 10-17 का फरवरी 2021 में लोन लिया था, 15 जुलाई ने भर, और 15 जुलाई ने इसने 10-17 भी भर चुका, क्लोज करा दिया जी, क्लोज करवा दिया। 15,000 रूपए किस्त थी, मेरे को अमनदीप मैनेजर ने इसने कॉल करा, अब कहता हूँ भाई तू आएगा बता तो सही कहानी के, अब ये आना नहीं चाहता था जी, ठीक कोई कहता है मेरे को लाख दे दे, कोई 1.25 लाख दे, एनओसी लेने के लिए कागज आया 10-17 भरने के बाद में, कहता है मेरे प्रॉपर्टी के कागज दे, कहता 21 दिन बाद में देंगे, अब ये देता नहीं, न मीडिया के सामने आता। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या लेने आए थे आप यहाँ? सर जी मैं नो ड्यूज रजिस्ट्री लेने आया था जी, ये मैंने क्लियरेंस लिख के दे दो, रजिस्ट्री मेरी बाद में आ जाएगी, मैंने नो ड्यूज दे दो, मैंने 10-17 में लोन क्लोज करा दिया, और न्यू बोले न्यू का 10-17 फोन मारा पूछ के भरे थे, क्यों भरे? अब ये जतिन बोले यहाँ बैठा था इस दफ्तर में, बाजिया गाड़ी ठाक है, मैं फांसी मैं आत्महत्या करूंगा, मेरी रजिस्ट्री दो जी, 2 महीने का मैंने रुपये भरे ना जी, 1 लाख वही मांगा, जतिन का मैंने 20,000 दे, 20,000 पैंडा सुटाऊ, जगपाल का मैंने 20,000 रुपये दे दो, पुनीत का मैंने 20,000 दे दो, न्यू ब्रांड कौन सा देने जी, स्ट्री कौन सा देगा, मैंने 10-17 भी दे दिया जी, 3 साल मैंने लोन भी भर दिया जी, और मैंने मकान बेच का लोन भरे जी, मेरा अगला गरीब मारी हो रही है जी, और इनमें नो ड्यूज लेना चाहूंगा, यहाँ सारे बाज गए, सारा दफ्तर खाली पड़ा जी, बैंक वाले बाज रहे हैं। कितने पैसे आपने जमा कराए हैं? 10-17 भराए हैं जी, 10-17 मैंने लोन क्लोज कराकर रुपये भर दिए, और कितने में रजिस्ट्री आ जाएगी घरा डाक द्वारा। तो किसने कहा था आपको इतने पैसे देने हैं? मैनेजर ने, जतिन पुनीत और यशपाल मलिक। तो एनओसी नहीं मिली आपको? एनओसी नहीं मिली जी। तो क्या कहा बैंक? आज मैं लेने आया था जी। अब क्या कहा? ये बोले मरते पूछ के भरे 10-17, जतिन ने ये जवाब दिया जी, मैं क्यों भरवाए, नुको 1 लाख और देने पड़ा, मैं किस चीज के दूंगा? फिर बोले 20,000 पेंडा सुटाऊ, पेंडा सुटा मेरे पास 307 लाख रही है, मैं 1 रुपया दिन रजिस्ट्री दे, रुपये रखे हैं प्रॉपर्टी बेच के, जो उनसे नहीं भरते उनका ताला लगा, उन पर अकेले मैं दूंगा कुछ भी लेने, मेरा गला वो थपाई लगा कारण जी, मैं बोला मैंने रजिस्ट्री दो, वो बाज गया जी, जतिन बाज गया जी, उड़ता है कोई 20 मांगा जी, कोई 10 मांगा है, 40,000 रुपये मेरे पास सबूत कराना ले गया जी, रिश्वत के लोन कराने के, आजा थाने चलना जल्दी आ जा मेरे साथ, लाल बैंक की तरफ से जो मैनेजर है उनसे बातचीत करें कि आखिर क्या ये माजरा क्या है, क्योंकि ये तो जिस लोन है उसमें आरोप लगाए हैं बैंक वाले पर, लेकिन बैंक वालों का क्या कुछ कहना है ये भी हम सुनने का, बैंक वाले बाज गए सारे, एक भी नहीं बैंक में, जब मैं बढ़िया दृष्टि दो मेरी, कोई 20,000 मांगा, कोई 10,000 मांगा, सारे चोर है, ये तो फाइनेंसर खोल रहे हैं, चोर बाजार है, बैंक किसी चीज का भी नहीं, झूठ बोलगा फसाया में, अरे बैंक में एक भी ना मैडम बैठे ना सर बैठे ना मैनेजर बैठे, यहाँ और है कोई पी एन सी कहा रजिस्ट्री कहाँ पड़ी आपकी? रजिस्ट्री का बॉम्बे पड़ी है, किस दिन में आ जाएगी? 10-17 पर गया उतना मेरे तक रसीद दे ना, मेरे तक सबूत दिया, आज नो ड्यूज लेने आया, कोई कहा मैंने 20 दे, कोई कहा लाख दे, रजिस्ट्री देंगे मेरा हाथ में, रजिस्ट्री दो ले रहे हैं, बैंक मैनेजर का क्या कुछ कहना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो उपभोक्ता बैंक पर बड़े आरोप लगाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लोन लिया था लेकिन लोन लेने के बाद जब उन्होंने लोन भर दिया तो उसके बाद एनओसी को लेकर जब यहां पर आता तो बवाल होता है, पुलिस मौके पर पहुंचते, फिलहाल बैंक वाले को क्या कुछ कहना है ये भी आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल बैंक मैनेजर से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये मसला क्या है, क्योंकि काफी बवाल होता है। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी आपके सामने क्या करे, मैं नहीं था, अभी इनको फोरक्लोजर अमाउंट दिया था कुछ, उसके बाद इन्होंने 10,17,000 भरे, 10,17,000 भरे हैं और 1,40,000 इन्होंने और भरने हैं, वो भरेंगे तो उसके बाद रजिस्ट्री इनकी मिल जाएगी, जो बैंक पॉलिसी है भाई भरेंगे तो मिल जाएगी, एज पर जो भरना है कर सकते हैं। वो कलेक्शन मैनेजर है, उन्होंने बताया था कि 10,70,000 का चेक भर दो आपका लोन क्लोज, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं, अभी कोई बात नहीं, आप इनकी सुनिए, हम लाल बैंक मैनेजर जो है मीडिया के कैमरे से बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, कुछ सवाल है कि उन्होंने जवाब भी जरूर दिए हैं, लेकिन अब पुलिस मौके पर जरूर पहुंची थी और फिलहाल दर्दार है, कोई इसकी बेचारे की सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी इसकी सुनवाई नहीं है, सारे बैंक वाले भाई गलत हो रहा है सर, ये मैनेजर गलत है, ये आता ही नहीं, इसको जवाब दे, अभी भी साइड साइड फोन पे बात करते निकलता हुआ निकलेगा, घर तो आएगा, वो तो आएगा, देखिए किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा, क्या मामला है, क्या लग रहा है, क्या सर इसमें बैंक वालों की सरासर धोखाधड़ी है, अगले ने अपने मकान बेच के इन्होंने कहा 10-17 भर दो, 10-17 भर दिए, जबकि इसका मकान
फालतू भरने होते तो उसको बता देता, अगले पार्टी ने पैसे भरे हैं जिसने मकान खरीदा ना वो। क्या कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आपको नजर आ रहा है सब कुछ। आप ये भाई थाने जाएगा, थाने जाएगा अपना पर्चा। ये तो कह रहा मैं यही गलत स्टेप उठाऊंगा, यही नहीं गलत स्टेप नहीं गलत है वो गलत है यार। बच्चे हर चीज का है जी, हर चीज का समाधान है। वो जो स्टेप उठा रहा वो गलत है, घर में बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। सर जिनको कानूनी कार्रवाई करो, जिनका अंदर रखो। फिलहाल आप देख सकते हैं कानूनी कार्रवाई होगी, कानून सबके लिए है। जाके थाने में दरखास्त दे। हाँ अभी देखो जिनको यहाँ से बुलाओ, पुलिस वाले बुलाएंगे, आप टेंशन ना लो। 32 में जाओ। फिलहाल आप देख सकते हैं बैंक से, और यहाँ पर पुलिस पहुंची है और किस तरीके से यहाँ पर हंगामा होता है।